इसके फ्लोर से मैं जहाँ बैठा हूँ उससे देखता हूँ तो कुछ नहीं दिखता, लिटरली बादल नीचे आ चुका रहता है, बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता है। पेमेंट कर लेते हैं यहाँ ना, पेमेंट के लिए जैसे इंडिया में फ़ोन पे ऐप यूज़ होता है, यहाँ लाइन पे है। इंडिया में भी लाइन पे बहुत पहले शायद सोचता हूँ कभी लॉटरी लेकर देखूँ क्या, बट मैंने कभी लिया नहीं, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है कितने का आता है, क्या है सीन है नहीं पता मुझे। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, और स्वागत है मेरे आज के इस नए व्लॉग में। आज है मंडे, तो अभी मैं सुबह सुबह ऑफिस निकला हूँ एज यूजुअल उसी रूट से, और वही बस लेना है मुझे आज। ऑफिस मंडे के दिन तो ऐसे मन नहीं होता है, ठीक है, बट ऑफिस जाना तो पड़ेगा। आज धूप भी बहुत कड़क है, थोड़ी गर्मी है, अभी देखते हैं कोई बस जल्दी मिल जाए, क्योंकि आजकल मैं जब भी निकल रहा हूँ टाइम पे तो बस थोड़ी लेट हो जा रही है, आ नहीं रही है। बट अभी होपफुली, अरे यार सामने से एक बस निकल गई, ये भी होता है कभी कभी ना, मेरे सामने से एक बस निकल जाती है, अब मुझे ऐसे दौड़ के जल्दी भागना पड़ेगा, नहीं तो फिर बस मे बी 10 मिनट के बाद आए। यार मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में अपना इजी कार्ड भूल गया, जो कि वही मेन इम्पॉर्टेंट है, और एयरपॉड्स भी भूल गया। अचानक से जब बस आया ना मुझे, तब अचानक से याद आया, ओ शिट, मेरे पास तो इजी कार्ड नहीं है, अब मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा इजी कार्ड के लिए। चलो इसी बहाने एयरपॉड्स भी ले लेंगे, मैं सोचा ना कि आज भी ना एयरपॉड्स के भी गुजारेंगे, देखते हैं कैसा होता है। बट जब इजी कार्ड देख रहे तो वो भी छूट गया, अब दोनों ले लेंगे इसी बहाने। थोड़ा टाइम लेट हो गया यार इसके चक्कर में। चलो बस तो फाइनली आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मैं दोबारा आया तो। आज ये देख रहे हैं ये सामने वाला पहाड़ कितना क्लियर दिख रहा है, और ये बिल्डिंग। अदरवाइज जब मौसम ख़राब होता है तो ऑफिस के फ्लोर से मैं जहाँ बैठा हूँ उससे देखता हूँ तो कुछ नहीं दिखता, लिटरली बादल नीचे आ चुका रहता है, बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता है। और आज देखो मौसम कितना ज़्यादा क्लियर है, लेकिन हाँ यहाँ के मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते। सपोज़ अभी इतने धूप है, हो सकता है आधे घंटे बाद बहुत बारिश हो जाए और ऐसा लगे कि यार पूरे दिन बारिश ही होगी, तो मौसम बहुत ख़राब हो जाएगा, पूरा काला बादल छा जाएगा। बट उसके ठीक ही आधे घंटे बाद फिर मौसम चेंज हो जाएगा, फिर ऐसा लगेगा कि बारिश हुआ ही नहीं था, एकदम लिटरली बहुत धूप हो जाएगा। तो यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो अचानक से धूप, अचानक से बारिश, कुछ भी होते रहता है, कुछ समझ नहीं आता। पूरी आप यहाँ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि आज धूप है तो आज मौसम पूरा अच्छा ही रहेगा, हो सकता है आधे घंटे के बाद बहुत बारिश हो जाए, तो कुछ भी होते रहता है भाई यहाँ। ये तो हमारा ऑफिस बिल्डिंग है, ये वाला। अभी मैं ऑफिस से निकला, और जब निकल रहा था तब मुझे पता चला कि यार आज वर्षा का, कल आज नहीं, कल वर्षा का बर्थडे है, और मुझे लिटरली थोड़ा भी याद नहीं था, पता नहीं मैं कैसे भूल गया। मुझे एक कुलिंग ने बताया कि कल उसका बर्थडे है, किसी ने शर्मा ने भी मुझे नहीं बताया, मुझे ध्यान भी नहीं था, और यार अभी याद आ रहा, देखते हैं क्या होता है। और अभी जल्दी घर चलते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। आज केक वगैरह कट हो गया, उसका बर्थडे है तो केक वेक का सीन होगा ही। तो अभी मैं जस्ट ऑफिस से आया हूँ, और ऑफिस से आके मुझे लेट भी हो गया थोड़ा, और मुझे अभी जिम जाना है भाई, मिल नहीं रहा, क्या लेना था मुझे, बैग लेना था, जिम जाना है। और ना आज यार जिस दिन वीडियो अपलोड करना होता है ना उस दिन और काफ़ी टाइम लगता है हर चीज़ में, और देखो आज ऑफिस से अभी लेट आ रहे हैं, ठीक है, अभी जिम भी जाना है, फिर जिम से आ करके फिर खाने भी आज मुझे ही बनाना है, तो इसमें भी आज टाइम लग जाएगा। अब जिस दिन यार वीडियो वगैरह का सीन होता है ना कुछ अपलोड वगैरह का, उस दिन और दिक्कत, पता नहीं क्यों ऑफिस में थोड़ा लेट हो जाता है या कुछ ना कुछ इशू हो ही जाता है। भाई शर्मा क्या हुआ, मुंह छिपा लिए हो, कोई कांड करके आ रहे हो क्या? भाई वो मुंह छिपा लिया है, कोई कांड वांड किया है इसलिए। तो चलते हैं जिम, अभी टाइम हो रहा है कितना, 7:30 के करीब हो रहा है अभी टाइम, और देखो अभी जिम जा रहे हैं, तो जिम से अगर सब अप्रॉक्स 9 बजे भी लौटते हैं तो उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना है, उसमें टाइम लगेगा वो कर 1 घंटा मान लो उधर, ठीक है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करना है, फिर एडिटिंग करके डालना है क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू है। बॉस बाय, आज बहुत ही ज़्यादा थक गए, क्योंकि मुझे जब मैं ऑफिस से आया मुझे नींद आ रहा था, ठीक है, बट स्टिल अभी मैं जिम आ गया, और मन कर रहा था जिम में सो जाऊँ, ठीक है, बहुत अच्छा नींद आ रहा था, लेकिन यार जिम भी करना ज़रूरी है, इसलिए हाफ एन आवर 40 मिनट भी करो बट करना ज़रूरी है। चलते हैं यहाँ कैरी फोर, जिम के नीचे ही कैरी फोर है, कुछ ले लेते हैं, दूध खत्म हो गया है।
तो सोच रहे हैं दूध ले लेते हैं और देखते हैं दूध मिल जाए तो ठीक है। इट मीन्स कि मैं जो दूध लेता हूँ ना कॉम्बो में आता है, तो कॉम्बो में आता है ना तो मुझे $119 का दो दो लीटर का दो बोतल पड़ता है। इट मीन्स शायद एक यार आज वो दूध भी नहीं है ऑफर में, या आज ऐसे नॉर्मली जो 140 का दो लीटर मिल रहा है, ठीक है ये गाय का दूध है, बट जब ऐसे ऑफर रहता है ना तो अगर दो लोगे तो 119 का एक मिलेगा, तो मुझे वो ठीक लगता है। बट वो ख़त्म है तो एक आज ले लेते हैं और देखेंगे दो दिन बाद अगर मिल गया वो तो वो ले लिया जाएगा, और कुछ लेने के लिए रुकेंगे नहीं, मन नहीं है क्योंकि अभी काम भी घर पे बहुत है, खाना वाना बनाना है। चलते पेमेंट कर लेते हैं, यहाँ ना पेमेंट के लिए जैसे इंडिया में फ़ोन पे ऐप यूज़ होता है, यहाँ लाइन पे है। इंडिया में भी लाइन पे बहुत पहले शायद था, बट चैटिंग वगैरह के लिए यूज़ होता था। यहाँ जो ऐप है लाइन पे मेन ऐप है, नॉर्मली कॉलिंग और चैटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है और पेमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंडिया में फ़ोन पे गूगल पे, बट यहाँ लाइन पे। तो मैंने भी अपने मोबाइल में लाइन पे इंस्टॉल कर रखा है, ईज़िली कहीं भी क्विकली पेमेंट हो जाता है, टेंशन नहीं रहता कि पैसे वैसे लेके जाओ, तो ठीक रहता है। ये ना ये लेडी बहुत सही इसे इंग्लिश आता है, तो कोई प्रॉब्लम होता है तो इससे ईजिली कम्युनिकेशन हो जाता है, भी जाती है। चलो मैं पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट वगैरह के टाइम ना जैसे हमारी ने फ़ोन पे वगैरह पासवर्ड वगैरह मांगता है, ठीक है 4 डिजिट या 6 डिजिट, यहाँ कोई पासवर्ड वगैरह लाइन पे मांगता ही नहीं है। स्कैन करोगे वो स्कैन या QR कोड जनरेट होगा और स्कैन करती हैं, अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो ऐसा हो लॉटरी का आपको बड़ा बड़ा शॉप यहाँ मिलेगा, वहाँ से आप लॉटरी खरीद सकते हो। जैसे अभी मैंने सामान खरीदा तो पेमेंट हुआ, स्लिप जनरेट हुआ, तो ये जो स्लिप जनरेट हुआ है ना इसमें भी एक QR कोड है, वो भी लॉटरी का ही है। स्कैन करोगे तो अगर कुछ अगर अमाउंट मिला तो ठीक है, वरना ऐसा ही कुछ लॉटरी करा था। बहुत लोग अगर मैं तो लेता हूँ नहीं, नॉर्मली मैं फेंक देता हूँ या फिर ध्यान नहीं देता हूँ, कभी कभी कोई मुझे शॉप के बाहर मिल जाते हैं तो वो मुझसे मांग लेते हैं तो मैं दे देता हूँ कि वो स्कैन कर लेते हैं। मैं सोचता हूँ कभी लॉटरी लेकर देखूँ क्या, बट मैंने कभी लिया नहीं, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है कितने का आता है, क्या है सीन है नहीं पता मुझे। खाना वाना तो मैंने रोटी के लिए आटा वाटा लगा दिया है और सब्जी वगैरह रेडी है, बस एक तोफू अभी बन रहा है, थोड़ी देर में वो बन ही जाएगा, तो देखते हैं अभी एक बार देख लेते हैं उसका स्टेटस, क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है ना ऐसे में सब्जी रख के भूल भी जाता हूँ तो सारा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। देखते हैं क्या, अच्छा हाँ ठीक है अभी थोड़ा सा और होगा, अभी ठीक है अभी थोड़ा सा और तोफू होगा। क्या ना इस बार ग्रेवी बहुत अच्छे से बना है, ग्रेवी अच्छे से बनने का रीज़न पता है क्या है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली ग्रेवी अच्छे से बनने का इस बार रीज़न है, पिछले बार मैंने बताया था टमाटर बहुत महंगा था तो हमने नहीं लिया था, उतना यूज़ नहीं करा था भाई। इस बार जो टमाटर हमें मिला है ना बहुत सही मिला है। इस बार कितना मिला है भाई, मतलब केजी के हिसाब से कितना मिला होगा याद नहीं आ रहा मेरे को, यहाँ का 4-5 KG यहाँ, मतलब हमने इस बार टमाटर लिया है, इस बार हमें सस्ता मिला तो हमने टमाटर ले लिया है, करीब 4-5 KG टमाटर लिया है। और क्योंकि पिछले बार बहुत ज़्यादा महंगा था, इंडिया का में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्स पता है 600 रुपये KG काइंड ऑफ था, मतलब 4-500 में इस बार उतना टमाटर हो गया, और पिछली बार तो सिर्फ 600 रुपये में 600 ग्राम मिल रहा था, इसलिए हमने नहीं लिया था। इसलिए एकदम बढ़िया से अभी टमाटर का ग्रेवी एकदम पेस्ट बनाए हैं तोफू के लिए। भूख लगा यार, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा, ये तो भाई साथ दे रहा है। कभी कभी मन होता है ना तो ये भुजिया खा लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी मन होता है ना कुछ तीखा या फिर नमकीन खाने का, तो इसलिए ये रखे हुए हैं। ये इंडिया से लेके आए थे तो अभी तक चल रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाते नहीं, मतलब कभी कभी के लिए है तो अभी तक ये चल रहा है। ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि अभी खाने का टाइम हो रहा है, अभी खाना खाना है। अच्छा लग रहा है, अब इसको बंद करते हैं, ये सब मोह माया है। कभी कभी बस हल्का सा मूड ठीक करने के लिए खा लो, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए सब सही नहीं है, सब मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या जी शर्मा, आगे खाने का प्रोसेस होगा कुछ है? अरे आंटी से बात करोगे यार, अरे हमें घर वर चेंज करना है, मेरा एग्रीमेंट पूरा होने वाला है तो अभी तक बात नहीं की है यार, अभी क्लैरिटी मुझे क्लियर करना है, वो भी बात करना होगा। अरे यार बन गया,
चलो बंद कर देते हैं इसको। खाना वगैरह तो हमारा हो गया और सारा काम भी हो गया, जो भी साफ सफाई था, बर्तन वगैरह धोना था, वो सारा हो गया। और अब सोच रहे हैं कि ब्लॉग एडिट कर लेते हैं, क्योंकि आज मुझे एक ब्लॉग भी एडिट करना है, अपलोड भी आज करना है, तो अभी उसमें भी मुझे टाइम लग जाएगा, मुझे लगता है 2-3 घंटे तो लगेगा ही, तो वो कर लेते हैं। और बहुत थके हुए भी मुझे बहुत नींद आ रहा है और बहुत अच्छा नींद आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो वगैरह अपलोड कर लेता हूँ, और अपलोड करने के बाद उसके बाद अच्छे नींद से अच्छे से सो जाऊँगा, बहुत मस्त नींद आएगा। तो मैं फिर मिलता हूँ आप लोग से एक नए ब्लॉग में। टिल देन गुड बाई।